जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर, जो कि हमारी पॉलिटी में राज्य व्यवस्था में एक सीरीज चल रही है, रेगुलर क्लासेस की सीरीज चल रही है। अभी हमने फंडामेंटल राइट्स को क्लियर किया है, कवर किया है, जो मूल सिद्धांत है या जो मूल अधिकार हैं भाग तीन में उसको हमने कवर किया है। और उससे रिलेटेड अभी जो पिछली क्लास थी हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस आंसर्स की क्लास ली थी और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस रखे थे जिसके कमेंट्स काफ़ी अच्छे आए, कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि क्लासेस पूरी कीजिए पहले पीछे की, और फिर उसके बाद जो है कोशिश कीजिए कि आप लोग भी उसका आंसर दे सकें। तो आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्वों की। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व है ये किसके, राज्य के। तो यहाँ पर राज्य शब्द आ रहा है और राज्य की परिभाषा मैंने आप लोगों को जो है अनुच्छेद 12 में भी बताई थी। और यहाँ जो हम राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करेंगे तो राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि राज्य जो कोई नीति बनाएगा, है ना, नीति यानी कोई विधि बनाए या कोई योजना बनाए, क्लियर है, बात समझ रहे हैं, कोई नीति बनाए या कोई विधि या कोई योजना बनाए, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व उस के लिए क्या निर्देश हैं, यानी कि उसमें किन चीज़ों का वह पालन करेगा, पालन करने के लिए कुछ क्या दिए गए, कुछ आइडिया दिए गए, कुछ आदर्श बताए गए। किसको आदर्श बताए गए, राज्य को आदर्श बताए गए जो कि राज्य है। राज्य जैसे कि क्या हो सकता है, हमारी विधायिका हो सकती है मुख्य रूप से, अगर नियम बनाएगी तो कौन, विधायिका हो सकती है, या और कौन हो सकता है, या फिर और कार्यपालिका हो सकती है जो एग्जीक्यूटिव है, वो कुछ ही तरीके के नियम या कानून को पालन करने के लिए कुछ नीति नियम बनाती है या निर्देश बनाती है कुछ ही तरीके के। तो इस तरीके से राज्य के नीति निदेशक तत्व, अगर आप इस लाइन को समझते हैं तो आप बड़े आराम से जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों को समझ पाएंगे कि वो एक कहना क्या चाह रहा है, वो बात क्या है। तो यहाँ पर जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है वो क्या है, वो राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि अगर वह कोई नियम बनाता है या कोई कानून बनाता है तो उसमें इन निर्देशों का पालन करके बनाए, उनको देखे कि भाई अगर हम इन नियमों को पालन करेंगे तो अच्छा हम लोक कल्याण की बात करेंगे। इसी वजह से हम देखते हैं कि इसकी जो परिकल्पना है, किसकी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों की जो संकल्पना है वो संविधान सभा में किसने प्रस्तुत की थी, एक तरीके से कहा जा सकता है किसके विचारों से आई थी, इस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया था। तो संविधान सभा में अगर हम देखें तो संविधान सभा में हमारे एक जो संवैधानिक सलाहकार थे, कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन है, कोई अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर डालिए, सलाहकार कौन थे, सलाहकार जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे B.N. राव। तो V.N. राव जी ने क्या कहा, कहा कि नागरिकों के जो अधिकार हैं, जो व्यक्तिगत अधिकार हैं, वो दो रूपों में होने चाहिए, दो भागों में, दो पार्ट्स में होने चाहिए। कैसे अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार। तो इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे प्रस्तुत किया कि हम एक और ऐसे अधिकार होने चाहिए जो लोगों के लिए हो और थोड़े अलग से हो, तो दो रूपों में अधिकार होने चाहिए। तो इस बात को जो है संविधान सभा ने माना और एक अलग भाग की रचना की, जिसे हम क्या कह रहे हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व कह रहे हैं। तो दो कौन कौन से रूपों में देखा गया, अगर आज वर्तमान में हम देखें तो हमारे सामने आता है एक जो न्यायोचित है, न्यायोचित है, कैसा है, न्यायोचित है, यानी कि आप उसके लिए जो है न्यायालय में जा सकते हैं। दूसरा क्या है, गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है, यानी कि आप इसको लेकर जो है इन अधिकारों को लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो न्यायोचित को अभी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं जो कि भाग तीन में है और अनुच्छेद कितने से कितने तक, 12 से 35 तक इसको बताया गया है, जो कि क्या है, मूल अधिकार है, क्या है, मूल अधिकार है। तो यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है, बड़ा ही आराम से चल रहा हूँ, स्लोली चल रहा हूँ और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, बात करें गैर न्यायोचित की, तो जो गैर न्यायोचित कंसेप्ट है उसमें क्या आया, भाग चार आया हमारा, भाग चार में अनुच्छेद कितने से कितने तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक का जो कंसेप्ट है वो किसको दिया गया, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को दिया गया। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, अंग्रेजी में कहते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पर B.N. राव की अनुशंसा के आधार पर दो तरीके के अधिकार, व्यक्तिगत अधिकारों की बात की गई, और न्यायोचित और गैर न्यायोचित। न्यायोचित जो कि भाग तीन में है, न्यायोचित है, न्यायोचित का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था, यानी कि ऐसे अधिकार, ऐसा
अधिकार जिसका हनन होने पर उसको प्रोटेक्शन प्राप्त है, किसका किसका संरक्षण प्राप्त है, न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। लेकिन ऐसे एक अधिकार और है जिनको न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है। इसी तरीके से जो वीएन राव है उनके अनुशंसा पर दो तरीके के नियम बनाए गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो गैर न्यायोचित है, अब इनको गैर न्यायोचित क्यों रखा गया। देखिए जो जब हमारी संविधान सभा ने इस चीज़ पर निर्णय लिया कि व्यक्तिगत अधिकार दो तरीके के होने चाहिए, हालांकि ये निर्देश जो है राज्य को दिए गए हैं कि इनमें जो भी बातें बोली गई हैं, इन अधिकारों में जो भी या भाग चार में जो भी बातें बोली गई हैं उनका वह पालन करे, किसमें जब वह किसी भी तरीके के नियम या रेगुलेशन को बनाए तो उसमें इसका पालन करे। तो जब वो पालन करेगी तो क्या होगा, एक अच्छे कल्याणकारी लोक कल्याण का कार्य होगा और असामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। तो ये बात किसने बोली, देखिए संवैधानिक संविधान सभा में एक तो संवैधानिक सलाहकार थे और एक प्रमुख व्यक्ति थे डॉक्टर, आप सभी लोग समझ ही गए होंगे, डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा कि ये एक तरीके से दो प्रकार के लिए काम करेगा जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। एक तो लोक कल्याण की बात करेगा, ये लोक कल्याणकारी होगा और इसके साथ साथ यह आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र, किसकी आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करेगा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यहाँ पे कहा कि जो गैर न्यायोचित हैं अगर इनको सही से लागू किया जाए, यानी कि जो विधि बनाने वाले लोग हैं वो इन आदर्शों को, इन नियमों को जो है अपने विधि में उतारे, उनके आधार पर बनाए, उसमें दिए गए जो विषय हैं उनको साथ लेकर चले, उनके आधार पर जो है नियम कानून बनाए, तो इससे क्या होगा, लोगों का कल्याण होगा और आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होगा। तो यहाँ पर क्या था कि उस समय अगर इसको गैर न्यायोचित क्यों बनाया गया, अक्सर ये प्रश्न आप लोगों के माइंड में उठता होगा कि हम जो नीति निदेशक तत्व हैं उनको लेकर न्यायालय में क्यों नहीं जा सकते हैं। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि इसको इसलिए लागू नहीं किया गया क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे पास, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी इतनी मजबूत नहीं थी, या कहा जा सकता है कि हमारे पास जो है इतने बड़े संसाधन नहीं थे या इतने अच्छे संसाधन नहीं थे कि इसमें भाग चार में दिए गए चीज़ों को लागू कर सके। जैसे कि मान लीजिए आर्टिकल 45 है, अनुच्छेद 45 है, वो क्या कहता है, अनुच्छेद 45 कहता है शिक्षा का अधिकार। जो आर्टिकल अनुच्छेद 45 है वो बताता है क्या, शिक्षा के अधिकार की बात करता है, वो भी शिक्षा का, शिक्षा के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 45 जो कि DPSP में है, अनुच्छेद 45 जो है किसमें है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है भाग चार में, तो वो कहता है कि बच्चों को जो है निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। तो अब उस समय जब हमारे पास अर्थव्यवस्था इतनी बेकार थी, या कहा जा सकता है हम अभी आज़ाद हुए थे, हमारे पास इतना संपधन नहीं था कि हम बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवा सकें, तो वहाँ पर ये कहा जा सकता है कि हमारे पास संसाधनों की उपलब्धता नहीं थी। इसी तरीके से देखा गया कि भारत चूंकि इतना विविधतापूर्ण देश है और उसी समय जब आज़ाद हुआ देश तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर, या कहा जाए इंडिया पाकिस्तान के नाम पर, बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, दंगे हुए और लोग एक तरफ दूसरी तरफ से लोग मारे भी गए। तो इस कंडीशन को देखते हुए हमने आर्टिकल 44 को उस समय फंडामेंटल राइट नहीं बनाया, उसको 44 में रखा। अनुच्छेद 44 में क्या है कि जो एक समान नागरिक संहिता की जो बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, किसमें बात की गई, अनुच्छेद 44 में। अगर अनुच्छेद 44 को लागू कर दिया जाता उस समय तो और ज़्यादा मामला भड़क जाता, ठीक है कि भाई ये तो हम लोग जो उधर से आए जो मुस्लिम्स हैं भारत में वो सुरक्षित नहीं है, इस तरीके की भावनाएँ जो हैं निकल के आती। ऐसे ही जो कि भाई पशुओं का वध नहीं करना है, या फिर शराब पर पूर्णबंदी। अब जब अंग्रेज लोग थे तो अंग्रेजों ने तो खूब बढ़िया से बाल्टी भर भर के शराब पिलाया भारतीयों को, आदत अच्छी डलवा दी। तो अगर हम उस समय बंद कर देते तो एक तरीके से कहा जा सकता था कि राजस्व का एक साधन भी था, और दूसरा कि बंद कर देते तो एक जो पीने वाले हैं भाई लोग उनके हृदय पर तो आघात पहुंचता, तो पता चलता कि एक आंदोलन और शुरू हो गया। तो ऐसे कई वो है अनुच्छेद, इसमें अनुच्छेद हैं किसमें, और भाग चार में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, कि उसमें ये कहा गया है कि अगर इनको लागू किया गया तो इनको लागू क्यों नहीं किया गया, क्योंकि हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं थे। अब इसका उदाहरण कुछ ऐसे लेके भी समझ लीजिए कि मान लीजिए कि अभी मानना क्या है कि अभी मैं चाहता हूँ आप लोगों को कि एक डिजिटल बोर्ड हो, बढ़िया सा बोर्ड हो और स्मार्ट बोर्ड हो, और उस पर जो है मैं आप लोगों को मैप्स जो है बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ, मानचित्रों को मैं समझाऊँ पढ़ाऊँ, ताकि उसमें क्या होता है उसमें जल्दी जल्दी सब कुछ हट जाता है। ये सबको हम देखो क्या करना पड़ता है, अभी लिख लिया, फिर इसके बाद हम घिसेंगे इसे, फिर क्या होगा मिटाएंगे, फिर लिखेंगे, उसमें क्या होगा PPT बनाएंगे आराम से, चाहे एक बार लिख लेंगे फिर उसके बाद एक PPT जो है करते चले जाएंगे, तो जल्दी जल्दी समझा भी देंगे। लेकिन अभी मेरे पास वो संसाधन नहीं है,
या कहा जा सकता है वो वित्तीय स्थिति नहीं है मेरी कि मैं यहाँ पर एक स्मार्ट बोर्ड इंस्टॉल कर सकूँ और आपको जो है उस तरीके से पढ़ा सकूँ। तो कुछ ऐसी ही स्थिति जो है उस समय भारत की भी थी कि भारत ने उन या भारत की संविधान सभा ने उन अधिकारों को मुख्य रूप से गैर न्यायोचित में रखा, या कहा जा सकता है कि भाग चार में रखा, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में रखा, जिन पर बड़े पैमाने पर जो है खर्च हो सकता था, या फिर कहा जा सकता है कि उन पर जो है संसाधन अधिक लगते, चूँकि उस समय हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे। अब संसाधन नहीं थे तो अब हमने क्या किया कि इसको जो है एक अलग ही भाग चार में रख दिया और उसे गैर न्यायोचित के रूप में रखा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कुटीर उद्योगों की स्थापना करना गांव-गांव में, और इसके साथ जो बच्चे हैं उनको व्यावसायिक शिक्षा देना, मुफ्त व्यावसायिक शिक्षा, गांव ग्रामीण जो बच्चे हैं खासतौर पर उनको मुफ्त व्यावसायिक शिक्षा देना, तो ऐसी चीजें जो है कर पाना भी उस समय मुश्किल था, संसाधनों की कमी थी। तो इस वजह से क्या किया गया, उसको गैर न्यायोचित में डाल दिया गया। अब इस चीज के बाद संविधान सभा में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है केटी शाह। तो जो श्रीमान केटी शाह हुए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो सदस्य है संविधान सभा के, इन्होंने कहा कि ये एक बैंक चेक है और ये एक ऐसा बैंक का चेक है जो बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो लोग पैसा दे या ना दे। जैसे कि अब ये राज्य के नीति निदेशक तत्व है, अभी गैर न्यायोचित है, अगर राज्य चाहे तो आपको ये अधिकार दे सकती है, उस पर काम कर सकती है, लेकिन अगर राज्य नहीं चाह रही है, नहीं देना चाहती है, तो आप इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाइएगा कि ए हुजूर सुप्रीम कोर्ट जी, महाराज उच्चतम न्यायालय जी, हमको क्या है कि यहाँ पर गैर न्याय, ये जो हमारा शिक्षा का अधिकार है, या फिर कहा जा सकता है अभी तो शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट बन गया, 86वें संविधान सभा में चला गया, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा बन गया, या फिर कोई भी जो इसमें अधिकार है उसको लेकर आप नहीं जा सकते कि भाई ये हमारा जो है मूल अधिकार है, ये इसको लागू किया जाए। तो यहाँ पर इसको एक ऐसा बैंक चेक कहा कि जब राज्य के ऊपर निर्भर करेगा या राज्य को लगेगा कि अब लोगों को जो है ये अधिकार दिए जाने चाहिए तो उसको दे देगा। जैसे कि आप अनुच्छेद 45 का जिक्र किया मैं यहाँ पे, कि अनुच्छेद 45 में शिक्षा का अधिकार, मुफ्त शिक्षा की बात की गई, तो अब जो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो उस संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, उस संशोधन के माध्यम से किया गया कि अब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो अब निःशुल्क शिक्षा के लिए तो बाद में, अब देखिए 2002 में कहाँ, 1947-1950 जब संविधान लागू हुआ, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पर 2002 में जाके शिक्षा के अधिकार को जो है अनिवार्य किया गया, सभी के लिए मूल अधिकार बनाया गया। तो उससे पहले कहाँ कुछ था, उससे पहले राज्य को मन करता था तो स्कूलों में टीचर होते थे, पढ़ाई होती थी ठीक से, नहीं तो नहीं होती थी। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर केटी शाह ने क्या कहा, इसे बैंक का चेक कहा कि जब आप कोई ऐसा चेक लेकर जाइए बैंक, मैंने कोई एक चेक दिया और उस चेक को लेकर आप बैंक में गए, तो बैंक क्या करेगा, मजबूर है कि उस चेक के बदले में आपको पैसा देगा। लेकिन यहाँ पर यह ऐसा चेक है कि इस पर जो है बैंक पैसा अपनी मर्जी से देगी, यानी कि राज्य जो है अपनी मर्जी से अधिकार देगी। तो ये संविधान सभा की कुछ बातें थी कि संविधान सभा में जो संवैधानिक सलाहकार रहे उन्होंने क्या कहा। तो अब देख लेते हैं कि जो भाग चार है उसमें उसकी क्या विशेषता है, और जो मूल अधिकार है और राज्य के नीति निदेशक तत्व है इसमें क्या एक बेसिक मूल अंतर है, फिर उसके बाद जो है हम आगे की बात करेंगे कि जो इसके अनुच्छेद हैं वो क्या क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ों को बताया गया है। तो चलिए इसको रफ कर लेते हैं, वापस मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं आगे शुरू करते हैं कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है वो अभी वर्तमान में जो संविधान में है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, कहाँ से लिया गया, ये सारे कंसेप्ट को जो है थोड़ा सा समझते हैं। चलिए तो हम देखते हैं कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ये जो तत्व हैं ये हमारे संविधान में किस में है, भाग चार के अनुच्छेद 36 से 51 तक, समझे, 36 से 51 तक है। इस कंसेप्ट को हमने जो लिया वो कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया, आयरलैंड से लिया। अब आयरलैंड का संविधान नया नया सा बना था 1937 में, वहाँ के कंसेप्ट में देखा कि भाई ऐसा कुछ निर्देश है जो राज्यों को निर्देश देता है, ऐसी कोई चीज़ें हैं कि वो ऐसे ऐसे काम करें लोक कल्याण के लिए, तो हमें भी कुछ इसकी ज़रूरत थी। लेकिन आयरलैंड भी कहीं से लिया था, अब आयरलैंड भी कहाँ से लिया था, आयरलैंड भी जो है कहीं से इसको टाप दिया था, ले लिया था, कहाँ से लिया था, स्पेन से लिया था, ठीक है। अब स्पेन कहाँ से लिया था,
स्पेन भी क्या कहीं से लिया था? नहीं, स्पेन ने जो है बनाया था अपना खुद से। तो यहाँ पे स्पेन से जो है आयरलैंड ने लिया, और आयरलैंड से जो है हमने इसको इसके आदर्शों को जो है अपने अपने नियमों के अनुसार, अपनी स्थितियों के अनुसार जो है लिया था। तो 1937 में आयरलैंड के संविधान से, हम जो आयरलैंड का संविधान 1937 में बना, तो उसके बाद जब हमारा संविधान बन रहा था, तो हमने कहा कि जब हमें भी ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो देखते हैं कि भाई आयरलैंड के संविधान में ऐसी क्या क्या बातें हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग क्या अच्छी है और हम इसे में क्या जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आया भाग चार, जिसमें 36 से 51 तक की बात की गई है। हालांकि अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक सब में राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है। इसमें जो अनुच्छेद 36 है, अनुच्छेद 36 है, इसमें जो बताया गया है, इसमें बताया गया है राज्य की परिभाषा। क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा। तो राज्य की जो परिभाषा है उसको बताया गया अनुच्छेद 36 में। ये वही राज्य की परिभाषा, सेम वही है जो मैंने आपको मूल अधिकारों में अनुच्छेद 12 में पढ़ाया है। और अगर आपको उस चीज़ के बारे में समझना है कि राज्य की परिभाषा क्या है, अनुच्छेद 12 और 13 क्या है, एक बार फिर से जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है। थंबनेल एक पिक्चर दिखाई दे रही है, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं पीछे प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य की परिभाषा जो है ये वही है जो कि भाग 3 में अनुच्छेद किसमें है, 12 में, अनुच्छेद 12 में ये वही राज्य की परिभाषा है। फिर इसके बाद जो अनुच्छेद 37 है, क्या अनुच्छेद 37, इसमें भी कोई निर्देश उद्देश्य नहीं दिया गया है। इसमें बताया गया है क्या, इसमें बताया गया है डीपीएसपी का जो महत्व है और उसकी जो प्रकृति है उसके बारे में बताया गया है कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, डीपीएसपी का महत्व और प्रकृति, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। तो हम जो है थोड़ा सा इसी के बारे में बात करेंगे, अनुच्छेद 37 पर बात करेंगे आज, और 36 मैंने आप लोगों को पीछे अनुच्छेद 12 में समझा ही दिया है, और अंतर के बारे में बात करेंगे, जो फंडामेंटल राइट्स और जो आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व है उसमें क्या एक बेसिक अंतर है। तो चलिए, तो अब हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 36 है और 51 है उसमें 36 और 37 तो ये चीज़ें हो जाती हैं, यानी कि इसमें जो है किसी भी तरीके के फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं, फंडामेंटल राइट्स माफ़ कीजिएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात नहीं की गई है। इसमें राज्य की परिभाषा बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर राज्य शब्द आया है तो भाई राज्य को तो समझाना होगा ना कि कौन राज्य होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, और उसके नीति जो है, जो नीतियाँ बनाएगी उसके लिए कुछ निदेशक तत्वों को बताया गया है। तो ये जो डीपीएसपी है इसका महत्व क्या होगा और इसकी प्रकृति क्या होगी, इसको जो है सही से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है 37 में। तो अनुच्छेद 37 में हम इस तरीके से देखते हैं। तो इसी तरीके से इसको ये भी बताया गया है कि जो डीपीएसपी है, यदि ये मूल अधिकारों के साथ आती है तो ये संविधान की आत्मा और दर्शन कहलाती है, ठीक है। अगर हम इसके साथ क्या जोड़ दें, मूल अधिकारों को और जोड़ दें, तो मूल अधिकारों के साथ इसको हम क्या कह सकते हैं, मूल अधिकारों के साथ अगर इसे जोड़ दिया जाता है तो इसको संपूर्ण को हम कह सकते हैं क्या, संविधान की आत्मा और दर्शन, संविधान की आत्मा और दर्शन इसे कहा जा सकता है। तो ये बेसिक पॉइंट है कि किसने क्या कहा, कैसे कहा, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आत्मा और दर्शन कहा गया, आत्मा और हृदय कहा, किसे कहा गया है, अनुच्छेद 32 को कहा गया है, और संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, वो प्रस्तावना को कहा गया, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मूल अधिकारों के साथ अगर राज्य के नीति निदेशक तत्वों को देखा जाता है तो इसे संविधान की आत्मा और दर्शन के रूप में समझा जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड ने भी स्पेन से लिया था, और अनुच्छेद 36 से 51 तक ये कंसेप्ट इसमें दिया गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ये इसमें जो विषय हैं वो तीन चीज़ों को मुख्य रूप से समाहित करते हैं। अगर हम इन तीन सूचियों को देख लें तो आप समझ जाएंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का जो महत्व है या जो उद्देश्य है वो क्या है। जैसे कि इसमें एक बात क्या बोली गई है, अगर हम महत्व को देखें तो तीन प्रमुख विषय हैं जिस पर बात की गई है, जैसे कि मूल अधिकारों से अलग व्यक्तियों के या लोगों को प्रदत्त कुछ अधिकार, यानी कि ये जो क्या है, ये क्या है अनुच्छेद, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है, ये मूल अधिकारों से अलग अलग लोगों के अधिकार, लोगों के अधिकार, सीधा सा कंसेप्ट है ये, ठीक है, मूल अधिकारों से अलग लोगों के अधिकार इसमें बताया गया है। दूसरी बात क्या बताइए, कुछ नीतियां जिन्हें सरकार को अपनाया जाना अपनाना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ऐसी कुछ नीतियां बताई गई हैं या ऐसे कुछ निर्देश दिए गए हैं जो अपनी नीतियों में सरकार को अपनाना चाहिए, ऐसे नीतियां या निर्देश
या निर्देश जिसे सरकार को अपनाना चाहिए, यानी कि जो भी पॉलिसी बनाए सरकार उसमें जो है सरकार को अपनाना चाहिए। ये कुछ इसका महत्व हमें दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक जो महत्वपूर्ण पक्ष और निकल के आता है वो क्या कि एक जो समाज है हमारा, है ना, इसका उद्देश्य क्या है कि जिन्हें हमें एक समाज के रूप में अपनाना चाहिए। इसकी एक ऐसा उद्देश्य है या एक ऐसी चीज़ है कि एक समाज के रूप में हमें जो है डीपीएसपी को अपनाना चाहिए। तो डीपीएसपी को एक समाज होने के नाते, अपनाना चाहिए। देखिए ये थोड़ा सा दार्शनिक पहलू है, इसमें थोड़ा घबराने वाली बात नहीं है कि अभी सोचे कि पता नहीं क्या चल रहा है। तो ध्यान रखना है कि जो डीपीएसपी है उसके अगर महत्व को देखें, कहा जाए कि उसके जो विषय हैं, अगर राज्य के तीन विषयों को जो है सूचीबद्ध किया गया है मुख्य रूप से जो डीपीएसपी है, अगर इसका एक सार निकाला जाए तो ये तो मूल अधिकारों से अलग अधिकार है। अभी मैंने आप लोगों को बताया, समझाया, रटने की कोई जरूरत नहीं किसी भी चीज़ को। और अभी मैंने बताया कि ऐसे कुछ निर्देश हैं, ऐसी कुछ नीतियाँ, कुछ योजनाएँ संविधान सभा ने राज्य को दी हैं जिसको अपनाना चाहिए, और ये हमें भी अपनाना चाहिए, जो लोग हैं उनको भी अपनाना चाहिए कि एक समाज होने के नाते हमें जो डीपीएसपी को अपनाना चाहिए, इसके उद्देश्यों के पालन करने में सहयोग करना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके विषयों को तीन रूपों में सूचीबद्ध किया जा सकता है बड़े पैमाने पर। अभी हमने इस चीज़ को ये भी समझा कि ये गैर न्यायोचित है। अब गैर न्यायोचित है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसी बात को जो है अगर प्रकृति की बात करें तो प्रकृति कैसी है इसकी, गैर न्यायोचित है। थोड़ा सा उसको समझने का भी प्रयास कर लेते हैं। चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं अच्छी बात है, या फिर नोट डाउन कर रहे हैं अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिए अपनी नोटबुक में, अपने कागज़ पेन को मत छोड़िए बिल्कुल भी। कभी सोचे कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसी को ही पढ़ते रहेंगे तो भैया इतना फोटो कहाँ रखोगे, है ना, इतना मेमोरी कार्ड कहाँ लाओगे, है ना। तो उसको फोनो क्या करेगा, फोनो घबरा जाएगा कि भैया इतना सब कुछ कहाँ से रखोगे। तो अभी तो बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। अभी तो ये क्या है, ट्रेलर है, फिल्म तो अभी शुरू किए ही नहीं है। फिल्म तभी शुरू होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगी, तभी फिल्म शुरू होगी। अभी तो ये हम केवल झलक दिखा रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं अभी आप लोगों को पढ़ने के लिए। अभी तो इससे बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को मिलनी बाकी है। तो ये केवल एक क्या है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है बाबू मोशाए। चलिए तो इसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 37 में ही एक चीज़ क्या बोली गई है, इस बात को बोला गया है कि जो ये क्या है, गैर न्यायोचित है। क्या है, गैर न्यायोचित है। तो गैर न्यायोचित होने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसको जो है लागू नहीं किया जाएगा, या राज्य जो है इसको लागू नहीं करेगी। इस बात को जो है अनुच्छेद 37 में ही क्या बताया गया है, अनुच्छेद 37 में ये कहा गया है कि राज्य जो है ये क्या है, देश के शासन का एक मूलभूत तत्व है। देश के शासन का मूलभूत तत्व है, मूलभूत तत्व है। तो अब जब ये मूलभूत तत्व है, किसका, शासन का मूलभूत तत्व, एक बेसिक आधार है, यानी जो अगर देश का शासन चलेगा तो इन निर्देशों पर चलना चाहिए। देश का शासन किस पर चलेगा, इन निर्देश। तो अनुच्छेद 37 में क्या बोला गया, अनुच्छेद 37 में यही बात बोली गई है कि ये देश के शासन का मूलभूत आधार है, या कहा जाए कि मूलभूत है, यानी कि देश के शासन में मूलभूत है। अगर शासन चलेगा तो उसका एक आधार ये होना चाहिए। और जो देश है, जो देश में कानून है, या जो राज्य का क्या कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा कि इसके आधार पर, तो इसमें क्या बोला गया है, कर्तव्य, किसका कर्तव्य निर्धारित किया गया है, राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। और राज्य का कर्तव्य क्या है कि अगर वह कोई भी कानून या विधि बनाता है तो इसको आधार बनाकर बनाएगा, जो निर्देशक तत्व दिए गए हैं, कुछ जो निर्देश दिए गए हैं उसको आधार बनाकर ये करेगा। तो राज्य का ये क्या है, एक नैतिक दायित्व है। तो ये एक तरीके से राज्य पर नैतिक दायित्व आरोपित करता है। क्या आरोपित करता है, नैतिक दायित्व आरोपित करता है कि राज्य को जो है इस पर काम करना चाहिए, यह अनुच्छेद 37 कहता है। और इसके साथ ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह भी कहा है कि नीति बनाते समय, कानून बनाते समय, या कोई पॉलिसी बनाते समय कोई भी जो राज्य है, या कहा जा सकता है निदेशक तत्वों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगर कोई राज्य कोई नीति बना रहा है, कोई पॉलिसी या कानून बना रहा है, तो उसके लिए जो है राज्य को इसकी अवहेलना
नहीं करनी चाहिए, ऐसा अंबेडकर जी ने कहाँ कहा था, संविधान सभा में कहा था। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं किसी भी लोक राजनीतिक लोकतंत्र में, या कहा जाए कि लोकतंत्र वाले देश में, मुख्य रूप से जो प्रस्तावना में कुछ चीज़ें बोली गई हैं, राजनीतिक विषय जो हैं, है ना, राज्य के नीति निदेशक तत्व आधुनिक लोकतंत्र में, किसी आधुनिक लोकतंत्र में के जो है, आधुनिक लोकतंत्र के भी जो राजनीतिक विषय हैं, राजनीतिक विषय हैं मुख्य रूप से कौन कौन से विषय, जिसे हम देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ये क्या है प्रस्तावना में, ये न्याय है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, इसके स्थापना के लिए, इसके किसके लिए, इसके स्थापना के लिए, और इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, इन न्यायों को उत्पन्न करने, ये जो न्याय है, क्या है, ये न्याय है, और इनको जो है लागू करने के लिए काम करना चाहिए, और एक आदर्श, आदर्श न्याय, स्वतंत्रता और समता को लागू करना जरूरी है। यानी कि इसमें क्या हम देखते हैं, इसमें देखते हैं कि जो राजनीतिक विषय हैं वो कौन से राजनीतिक विषय, किसी भी आधुनिक लोकतंत्र के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हों, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होने का उद्देश्य क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक होने का उद्देश्य क्या है, कि एक आदर्श न्याय जिसमें स्वतंत्रता और समता आती हो उसको लागू करना क्या है राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य है, और एक जो आधुनिक लोकतंत्र है उसके राजनीतिक विषय में ये मुख्य रूप से समाहित होते ही हैं, जिससे क्या होगा, इससे होगा एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, क्या होगा, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। तो यहाँ पर अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य के विषय में किस भाग में बताया गया है, तो किस में बताया गया, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये कहा जाए कि लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है किस में दी गई है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। तो यदि ये सब चीज़ें होती हैं, लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को स्थापित करने के लिए कुछ निर्देश इसमें दिए गए हैं, जिनका जिक्र किस में किया गया है और मुख्य रूप से प्रस्तावना में किया गया है, तो प्रस्तावना को पढ़ाते समय मैंने इन सभी शब्दों का अच्छे से जिक्र किया था और इनके बारे में अच्छे से समझाया था। तो प्रस्तावना के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए, यहाँ पे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है, लोक कल्याणकारी यानी कि लोगों के कल्याण के लिए राज्य स्थापित होगा, तो वो कैसे होगा, जब लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा, कुछ आदर्श स्वतंत्रताएं मिलेंगी, और ये कब मिलेंगी, जब भी कोई कानून बनेगा या कोई विधि या कोई नियम या कोई आदेश बनेगा, तो उसमें जो है क्या हो, सभी को एक ऐसे आदर्श दिए जाएं जो कि इसमें बताए गए हैं, उन नियमों का पालन किया जाए तो लोगों को ये सभी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे आराम से। तो हम ये सब देखते हैं कि ये सब प्रस्तावना में भी बताया गया है, और प्रस्तावना के साथ साथ जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में बताया गया है कि राजनीतिक विषय यानी कि किसी भी लोकतंत्र का जो एक राजनीतिक विषय होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को प्रदान करना होगा, जो कि एक आदर्श न्याय को प्रदान करेगा, और उसके साथ साथ स्वतंत्रता और समता को भी स्थापित करेगा, जिससे क्या होगा, कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पर देखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में। इसके बाद बस हम ये और देख लेते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, है ना, जो मूल अधिकार हैं और राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, इनमें एक बेसिक अंतर क्या है, और फिर उसके बाद जानेंगे कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं इनको हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, तो मैं इसको जो है जल्दी से अब मिटा देता हूँ, और फिर यहाँ पर हम लोग जो है अंतर देख लेते हैं किसके, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर किसके साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो चलिए, एक तरफ तो फंडामेंटल राइट्स लिख लीजिए और एक तरफ जो है DPSP लिख लीजिए फटाक से, छोटे से अंतर हैं कुछ जो महत्वपूर्ण है और अक्सर प्रश्न बनते हैं। देखिए, जो भी कंसेप्ट अभी तक समझाया है ना, इसको आप ऐसे मत लीजिएगा कि इसका कोई एक उद्देश्य नहीं है, कोई मतलब नहीं, औचित्य नहीं, ये पृष्ठभूमि बनी है राज्य के नीति निदेशक तत्वों की, और इसके साथ ही इससे जो है रेगुलर प्रश्न भी उठते रहे हैं, और जब रेगुलर प्रश्न उठे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये हमारी भी किसी परीक्षा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। हर एक चीज़ से, लोक कल्याणकारी राज्य से पूछा गया है, किस देश से लिया गया है, किस अनुच्छेद में है, न्यायोचित है या नहीं है, ये सारी चीज़ों को जो है कई बार पूछा गया है। तो देख लेते हैं फंडामेंटल राइट में, पहला,
तो ये क्या है, ये नकारात्मक है। फंडामेंटल राइट क्या है, नकारात्मक। नकारात्मक किसके लिए है, ये राज्य के लिए। राज्य के लिए क्या है, नकारात्मक है। और ये सकारात्मक है, सकारात्मक है किसके लिए, राज्य के लिए। राज्य के लिए सकारात्मक क्यों है, क्योंकि भाई नकारात्मक सकारात्मक इस वजह से है क्योंकि इसका इसको जो है लागू करने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, है ना। कि पता चला कि वो एक क्या किया कि सरकार ने शराब बंद कर दी, है ना, शराब बंद कर दी, तो एक जो महानुभव थे जिनको रोज चाहिए हुई होता है डोज, तो वो क्या पहुंचे, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि हुजूर मेरा जो है इन्होंने शराब बंद कर दिया और ये मेरे डीपीएसपी का उल्लंघन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये तो मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन है। तो सरकार कहेगी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये डीपीएसपी है, इसको न्यायोचित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप शराब बंद कर दिया तो शराबबंदी तो डीपीएसपी में बोला गया है और ये कोई मूल अधिकार नहीं है तुम्हारा कि तुमको शराब पीना ही पीना पड़ेगा। इसके अलावा शराबबंदी की बात इसमें की गई, अगर इसके अनुसार शराब बंद करे तो सकारात्मक है। या फिर कोई ऐसी चीज़ हो कि इससे पहले अगर शिक्षा को ही ले लें तो शिक्षा पहले जो है लोगों सभी के लिए अनिवार्य रूप से निःशुल्क नहीं थी, तो उसका क्या होता था कि क्या उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डाली जाती थी, नहीं डाली जाती, क्योंकि पूरी तरीके से किस पर निर्भर करता है, राज्य को। अगर राज्य को लगता है कि भाई ठीक है हम जो है इसको लागू कर सकते हैं या करेंगे तो वो तो सकारात्मक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट्स नकारात्मक होंगे। क्यों नकारात्मक होंगे, क्योंकि मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों में स्पष्ट रूप से पढ़ाया है कि वहाँ पर ये जो है राज्य के ऊपर प्रभावकारी हैं, राज्य के ऊपर एक दबाव बनाते हैं कि वो इनको लागू करें ही करें, ठीक है। जबकि यहाँ पर ये ऐसा कोई दबाव नहीं है। इसी तरीके से जो दूसरा अगर हम लें तो दूसरा क्या ले सकते हैं, न्यायोचित है, है ना। इसी चीज़ को ले लेते हैं, न्यायोचित है, न्यायोचित है ये। और ये दूसरा गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है। इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट जा सकते हैं, डीपीएसपी के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तीसरा ले लेते हैं, व्यक्तिगत कल्याण के लिए है ये। किसके लिए है, व्यक्तिगत कल्याण के लिए है। जबकि ये किसके लिए है, ये समुदाय के कल्याण के लिए है, पूरे समुदाय की बात करता है ये, एक एक करके। जैसे कि अगर हम शिक्षा के अधिकार की बात करें तो एक पूरा ग्रुप आ जाता है उसमें। ऐसे ही हम किसकी बात करें, आर्टिकल 44 की बात करें, समान नागरिक संहिता की बात करें, तो वो भी क्या हो जाता है, पूरे ग्रुप के लिए आ जाता है। तो ये समुदाय के कल्याण की बात करता है। ऐसे कई अनुच्छेद हैं इसमें जो समुदाय के कल्याण की बात करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात अगर करता है तो एक जैसे पूरा ग्रुप आ जाता है। जब हम आर्टिकल्स की बात करेंगे तब आपको मैं उसमें और अच्छे से बताएंगे हम, चलिए। लेकिन रेगुलर बना रहना जरूरी है कि जो लोग रेगुलर देख रहे हैं क्लासेस, बस कभी कभी ये होता है कि सुबह 9 बजे के ना डलने की बजाय जो है थोड़ा लेट हो जाता है या फिर नहीं डल पाता है। उसका कारण ये होता है कि जब मैं रिकॉर्डिंग करने आ रहा होता हूँ तो या तो मौसम ख़राब हो जाता है, बारिश हो जाती है, या आंधी तूफान का मौसम तो शाम को हो ही जाता है, तो ये दिक्कत हो जाती है, या फिर कोई और तकनीकी जो है ख़राबी आ जाती है जिसकी वजह से मैं ये नहीं डाल पाता हूँ। जैसे कि इंटरनेट का उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है और उसकी सुविधा जब मेरे पास समाप्त हो जाती है तो उस वजह से जो है नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर लेकिन रेगुलर जो है क्लासेस बनने रहिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए अपने, ताकि जो है आपको लगातार नोटिफिकेशन जब भी मिले आप क्लास को पूरी कीजिए। चलिए इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे, स्वतः लागू होता है ये। ये क्या है, स्वतः लागू होता है, कौन, फंडामेंटल राइट्स। यानी कि इसको लागू कराने के लिए हमें जो है किसी कानून या विधि की ज़रूरत नहीं है। सरकार को जो है फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं। अगर मुझे बोलने का अधिकार है तो सरकार ने कोई कानून थोड़ी बनाया, कोई अधिनियम थोड़ी पारित किया है कि भाई जो है लोगों को बोलने का अधिकार दिया जाता है। उसके लिए कोई अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा या अधिनियम पारित नहीं किया जाएगा फंडामेंटल राइट्स के लिए। लेकिन ये जो है स्वतः लागू नहीं होते हैं। लागू करने के लिए इसमें क्या होगा, लागू करने के लिए विधि की आवश्यकता होगी, कानून बनाने की ज़रूरत होगी अगर उसको लागू करना है किसी तरीके से। जैसे कि अभी शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स बनाने के लिए एक संशोधन अधिनियम लाया गया, फिर उसके बाद आरटीई एक्ट को भी पास किया गया। चलिए इसके बाद जो आता है अगला, अगर हम देखें तो अगला क्या हो सकता है कि न्यायालय किसी विधि को जो है यहाँ पे अवैध घोषित कर सकती है। अवैध घोषित किसको, विधि को, किसी विधि को जो है वो अवैध घोषित कर सकती है। कौन, न्यायालय। अगर कोई फंडामेंटल राइट किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है, उसका उल्लंघन करती है, कौन,
कोई कानून सरकार ने बनाया है और कोई कानून जो है फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है तो उसको जो है अवैध घोषित कर सकती है कौन, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, जैसे कि अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और 226 में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी विधि को अवैध घोषित कर सकती है अगर वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। तो इसमें जो है किसी विधि को अवैध घोषित नहीं कर सकती है, अवैध घोषित नहीं कर सकती है। तो जब अवैध घोषित नहीं कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि ये न्यायोचित नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है सरकार को अगर काम करना है तो उसमें इस चीज़ को लेकर चलना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कई बार बोला है कि अगर सरकार कोई नियम बना रही है या कोई कानून बना रही है तो उस कानून में जो है इसका हस्तक्षेप होना चाहिए, इसको साथ लेकर जो है कानून सरकार को बनाना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लॉ की संवैधानिकता की अगर जांच की जाती है या कोई कानून अगर बनाया गया है सरकार द्वारा और उसकी संवैधानिकता की जांच की जा रही है, संवैधानिकता की जांच का मतलब क्या है कि वो लीगल है या नहीं है या इलीगल है, तो उसके लिए इसको आधार बनाया जा सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसको आधार बनाकर जो है संवैधानिकता की जांच कर सकती है, किसकी संवैधानिकता की जांच, जो सरकार ने जो कानून बनाया है उसकी संवैधानिकता की, वो लीगल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, या कहीं मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, या DPSP के किसी ऐसे भाग का उल्लंघन तो नहीं कर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हम किसी कानून को उसकी संवैधानिकता की जांच करते हैं तो उसको जांच करते समय हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कहीं ये DPSP के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है या उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहा है। तो ऐसी चीज़ों को हम देखा जाता है। तो हम देखा है कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP में ये अंतर एक बेसिक हमें दिखाई देता है। तो इसके बाद जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं जो DPSP के जो अलग अलग अनुच्छेद हैं उनकी। तो जो अलग अलग अनुच्छेद है, देखिए इनको जो है हम लोग पढ़ेंगे जो है, या पढ़ने का जो एक कंसेप्ट है वो तीन रूपों में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है, तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। रेगुलर नहीं पढ़ेंगे कि एक तरफ से उठा लिए 36 से 51 तक पढ़ लिया। देखिए इसको तीन भागों में बांटेंगे। इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, जो आदर्श बताए गए, जो आर्टिकल्स बताए गए, अनुच्छेद बताए गए हैं, ये किसी ना किसी के आदर्शों से या किसी प्रकार के आदर्शों से उत्पन्न होते हैं। तो इस आधार पर जो देखिए अनुच्छेद 4 में इनको तीन भागों में नहीं बांटा गया है, इसको हम लोग पढ़ने के लिए जो है तीन भागों में बांट लेते हैं। जैसे कि एक समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, समाजवादी सिद्धांत हो गया, समाजवादी सिद्धांत हो गया। इसी तरीके से एक उदारवादी सिद्धांत हो गया, उदारवादी सिद्धांत हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं एक गांधीवादी सिद्धांत हो गया, कि गांधी जी की जो विचारधारा थी, गांधीवादी सिद्धांत, यानी गांधी जी के जो सिद्धांत थे आंदोलन के दौरान, उन्होंने जो जो चीज़ें बोली, जैसे कि कुटीर उद्योगों की स्थापना हो गाँव में, लोग बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, अपना व्यवसाय खुद करना सिखाया जाना चाहिए, गौ हत्या नहीं करनी चाहिए, शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए, ऐसी कई सारे सिद्धांत जो है इन्होंने बताए। और इन सब के अलग अलग आर्टिकल्स हैं और एक दूसरे से अलग सिद्धांत हैं ये, तो इस आधार पर जो है हम इनको तीन सिद्धांतों में ऐसे बांटकर पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि आप लोगों को जो है यहाँ तक का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और जब ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया या कोई डाउट बचा है तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हालांकि कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है राज्य की नीति निर्देशकता, तो बस सिंपल इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये राज्य को कुछ दिए गए निर्देश हैं जिसका उपयोग वह अपने नीति बनाने में करे, जिससे क्या हो, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। किस देश से लिया गया है ये ध्यान रखिएगा, किसके सुझाव पर आया ये और किसने क्या कहा है इसके बारे में, वो सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने अभी आप लोगों को इस क्लास में समझाया है। तो इस पर जो हम लोग बात करेंगे वो हम बात करेंगे अगली क्लास में। तो इसके लिए लगातार जुड़े रहें, अलग क्लासेस को जो है रेगुलर करते रहें। तो अब हम इसमें बात करेंगे अगली क्लास में कि ये जो तीन सिद्धांत हैं इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, और आगे जो भविष्य में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, खासतौर पर तो समान कार्य के लिए समान वेतन वाला, और कर्मकारों के लिए प्रबंधन में जो एक सुविधा दी गई या उनको जो एक भागीदारी दी गई वो किस में का दिया गया। अनुच्छेद 44 को कई बार पूछ चुका है, 45 को कई बार पूछ चुका है। तो ऐसे कई अनुच्छेद हैं जो कि DPSP से क्वेश्चंस को बनाते हैं, आर्टिकल्स जो हैं ऐसे बहुत से बनाते हैं। तो यहाँ तक भी जो क्लास है हमारी, वहाँ क्लास के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी अगली क्लास को देखना ना भूलिएगा, क्लास को जरूर रेगुलर फॉलो कीजिए और यहाँ तक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी मैं
कहता हूँ आप लोगों से बार बार, तो मैं चाहूँगा कि इतनी बार तो मैं आप लोगों से बोल चुका हूँ, तो अब आप लोग जो है बिना कहे ही शेयर कर दिया कि तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।